दोस्तों आज प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक रैली में एक छोटे मोटे नेता की तरह बात कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी बात बोली जो एक नागरिक के तौर पर हम सबको सुननी चाहिए, चाहे हमें मोदी जी की विचारधारा पसंद हो या ना हो, मोदी जी को हम वोट करने जा रहे हों या ना जा रहे हों, क्योंकि एक नागरिक के तौर पर हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें क्या खाने और क्या ना खाने और कब क्या खाने की सलाह दे रहे हैं। बहुत जरूरी है हमारे लिए ठीक चुनाव से पहले पीएम मोदी का ये भाषण सुनना, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि पीएम मोदी जो बात दूसरों के लिए बोल रहे हैं, जो ज्ञान दूसरों को दे रहे हैं, खुद उनकी पार्टी के नेता उनके बात को नहीं सुनते हैं, खुद उनकी पार्टी के नेता उनकी बात की अवहेलना करते हैं। सुनिए पीएम मोदी ने आज उधमपुर में दूसरों को निशाने पर लेते हुए नॉनवेज पर, जी हाँ नॉनवेज खाने को लेकर क्या ज्ञान दिया है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। मोदी जी किसके लिए बोल रहे थे? मोदी जी कुछ वक्त पहले राहुल गांधी लालू यादव के घर गए थे, उन्होंने उनसे मटन बनाना सीखा था, ये उस वीडियो के बारे में बात कर रहे थे मोदी जी कि देखिए सावन के महीने में जब ज़्यादातर हिंदू, बहुत से हिंदू नॉनवेज नहीं खाते हैं, परहेज करते हैं सब खाने से, ये सजायाफ्ता कौन? लालू यादव के घर जाकर नॉनवेज ना केवल बनाना सीख रहे हैं, बना रहे हैं, बल्कि उसका वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ये बात से मुझे घोर आपत्ति है, हैरानी इस बात की है दोस्तों कि क्या देश का हर हिंदू दिल पे हाथ रख के कह सकता है कि वो सावन या नवरात्र में नॉनवेज नहीं खाता? बहुत से हिंदू नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन बहुत से हिंदू खाते हैं, सबकी अपनी अपनी धार्मिक आस्थाएं हैं। देश के बहुत से हिस्से हैं दोस्तों जहां पर नवरात्र में या खास पूजन में नॉनवेज खाया जाता है, तो आप क्या कीजिएगा उन लोगों के लिए? पीएम मोदी दूसरों को ये ज्ञान दे रहे हैं कि देखिए सावन में ये नॉनवेज खा रहे हैं, और उनकी पार्टी के नेता पत्रकारों से कह रहे हैं आप आइए मैं आपके साथ चिकन करी खाता हूं। राजदीप सरदेसाई चुनावी कवरेज करने के लिए निकले हुए हैं, तो तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है दोस्तों अन्नामलाई के साथ राजदीप सरदेसाई ने बातचीत की, उनसे कहा कि आप बताइए कि आपके इलाके में खाने पीने की अच्छी जगह कौन सी है, तो अन्नामलाई उनको बताते हैं कि यहाँ खाइए यहाँ का चिकन करी बहुत अच्छा है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ ज्वाइन भी करूंगा। तो एक बात बताइए मोदी जी, नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र में तो लोग व्रत करते हैं, 9 दिन व्रत करते हैं, आप भी मोदी जी व्रत करते हैं, एक तरफ आप नवरात्र के व्रत कर रहे हैं और आपके तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष पत्रकारों से कह रहे हैं आप वहां जाइए चिकन करी खाने, और आप जाइए वहां मैं भी आपको ज्वाइन करूंगा, मैं भी आपके साथ चिकन करी खाऊंगा, मतलब गजब की बात है। और तो और दोस्तों पत्रकार स्वाति ने कुछ वक्त पहले ट्वीट भी शेयर किया था, पिछले साल दिल्ली में नवरात्र में नॉनवेज को लेकर काफी ड्रामा किया गया था, ऐसा ही कुछ ड्रामा किया गया था कि नवरात्र में नॉनवेज की दुकानें बंद होनी चाहिए। दोस्तों उस वक्त स्वाति मिश्रा ने यह सबूत पेश किया था कि दिल्ली में नवरात्र की वजह से बीजेपी नेता रविंदर सिंह मीट की दुकानों को बंद करवा रहे थे, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता और प्रवक्ता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा चिकन मटन बनाकर बेच रहे थे, बकायदा उन्होंने ये तस्वीर शेयर की है। देखिए तेजेंद्र पाल बग्गा नवरात्र में नॉनवेज उनके आउटलेट से नॉनवेज बेच रहे थे, भाग्यनगर दम बिरयानी, भाग्यनगर दम मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी। लोगों ने जब बग्गा जी को इसको लेकर टैग किया तो जोमैटो में सारी नॉनवेज चीजें उन्होंने बाद में हटवा दी, लेकिन उससे पहले वो कई ऑर्डर्स ले चुके थे। एक तरफ बीजेपी के नेता नवरात्र में नॉनवेज बेच रहे हैं, एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नवरात्र में नॉनवेज खाने की सलाह भी दे रहे हैं और बकायदा बता रहे हैं कि आपके साथ मैं खाऊंगा, और मोदी जी दूसरों से कह रहे हैं कि फलाना, वो भी पुरानी वीडियो है, राहुल गांधी और लालू यादव की पुरानी वीडियो है, उस पर कह रहे हैं कि देखो सावन में नॉनवेज खा रहे हैं। दोस्तों इसके बाद पीएम मोदी कानून की बात करने लगे, लेकिन वहां चले गए जहां जो कि उनकी पार्टी का हॉट फेवरेट टॉपिक है, मुगलों के बाद, मुगलों में पीएम मोदी देखिए कानून का हवाला देकर कैसे मुगलों तक पहुंच जाते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है, और नहीं मोदी रोकता है, सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है,
जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था, जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था, उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं। आप किसे चिढ़ाना चाहते हैं? नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना आप किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं, और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। मतलब प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ कह रहे हैं कि मैं तो इसके खिलाफ नहीं हूं, जिसको जो खाना है खाएं, फिर पीएम मोदी उस पर किंतु परंतु लगाते हैं और चले जाते हैं मुगलों के पास। अगर पीएम मोदी नॉनवेज की तुलना मंदिर तोड़ने से कर रहे हैं तो मतलब क्या ही कहा जाए। देश का हर हिंदू क्या दिल पे हाथ रख के कह सकता है कि अभी नवरात्र चल रहे हैं, उनके घर में अंडा नहीं बन रहा होगा, अब नॉनवेज नहीं खा रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में ऐसे बहुत से लोग मुझे मिल जाएंगे दोस्तों इस वीडियो में, जो कहेंगे कि हाँ हम हिंदू हैं और हम खाते हैं। और ये हमारा कानून है भाई, हमारे देश में अलग अलग इलाकों में अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग खान पान है। मतलब आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि सावन में ये मत खाओ, नवरात्र में ये मत खाओ? और सबसे बड़ी बात ये है, ये कहकर पीएम मोदी कहते हैं कि नहीं, कानून तो कहता है कि कोई कुछ भी खा सकता है, मैं भी कहता हूं कि कोई कुछ भी खा सकता है, लेकिन मुगलों के दौर में ऐसा होता था। सोचिए आज के दौर में क्या हो रहा है, वो सब भूल भाल के पीएम मोदी मुगलों के दौर में चले जाते हैं। मतलब आज के देश के हालात में चुनाव होगा, पिछले 10 सालों में मोदी जी के कार्यकाल पर चुनाव होगा कि लालू यादव के घर में जाकर सावन के महीने में राहुल गांधी ने मटन बनाया उस पर चुनाव करें? और अगर चुनाव करना ही है, अगर इस मुद्दे पर वोट करना ही है, तो प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के अपने प्रदेश अध्यक्ष से क्यों नहीं कहते हैं कि तुम नवरात्र में चिकन करी क्यों खा रहे हो और दूसरों को खाने की सलाह क्यों दे रहे हो? क्यों प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के नेता तेजेंद्र बग्गा से पिछले साल क्यों नहीं कहा उन्होंने कि तुम नवरात्र में चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी क्यों बेच रहे हो? ये दोगलापन क्यों दोस्तों? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।